सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं जल्दी एक इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करूँगा। तो मैं आज ट्रेलर लेके आ चुका हूँ आपका इंग्लिश का, जो कि हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक बहुत सारी वीडियोस डाली थी मैंने, जैसा कि कट ऑफ को लेकर, एयरफोर्स और SSR की। अब देखिएगा, रिज़ल्ट तो अपनी जगह है, रिज़ल्ट आता रहेगा, पर अभी वो बच्चे जो कम एज की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम, जिनको लगता है कि एग्ज़ाम सही नहीं गया, तो वो बच्चे अब तैयारी में फिर से लग गए होंगे, और मेरे हिसाब से लग भी जाना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए, और जो पास हो भी चुके हैं उन बच्चों के लिए भी, मेरा फर्स्ट बैच चालू हो चुका है। तो आज मैं उसका ट्रेलर लाया हूँ कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए। तो जैसा कि फ़र्स्ट बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा कल से, ये फर्स्ट बैच का एक ट्रेलर समझ लीजिएगा, जो बैच होगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं, कुछ आज चीज़ें सीखते हैं, दो या तीन चीज़ें। मैं आपके लिए कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और दो इडियम फ्रेजेस लाया हूँ आज। तो चलो देखते हैं, उसको सीखते हैं, फिर कल से हम लोग नया रूल स्टार्ट करेंगे, जैसे कि नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन प्रोनाउन से लेके हर एक चीज़ करेंगे हम लोग, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसा कि पहला हमने इसमें लिया है वर्ड फ्रेजाइल। क्या लिया है वर्ड? वर्ड हमारा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेजाइल वर्ड्स का मतलब होता है नाजुक। फ्रेजाइल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? नाजुक, जो मतलब चीज़ बहुत आसानी से टूट जाए। जैसे कांच का कोई बॉक्स होता है, कांच की कोई भी चीज़ होती है, अगर ज़मीन में गिर जाती है तो वो टूट जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रेजाइल है बहुत। दिस थिंग इज़ वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? नाजुक, जो चीज़ नाजुक होती है। तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है, जैसे कि देखिए ईजिली ब्रोकन, ये तो कह देंगे सर ये तो ऐसा आता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए डैमेज्ड, डैमेज्ड आ जाएगा। मतलब सिनोनिम्स का मतलब यही नहीं होता है कि आप लोग एग्जैक्ट नाजुक तो नाजुक ही देखें उस चीज़ को, कि सॉफ्ट, सॉफ्ट भी इसका हो सकता है कि सॉफ्ट, पर नाजुक मतलब जो चीज़ जल्दी नष्ट हो जाए, टूट जाए जल्दी, ईजिली ब्रोकन से है। वेरी डेलिकेट, ये देखिए डेलिकेट वर्ड्स आ सकता है। नॉट स्ट्रांग, भाई जो चीज़ स्ट्रांग नहीं होगी वही तो जल्दी टूट जाएगी, तो ये देखिए। और अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स हमारा ये आ जाता है कि इनफ्रेजाइल, इनफ्रेजाइबल। तो दो भी देखिए, इनफ्रेजाइबल मतलब क्या होता है? जो चीज़ इजीली से टूटे ना, जो चीज़ आसानी से ना टूटे वो हो जाती है इनफ्रेजाइबल, ठीक है। और ये है नॉन ब्रेकेबल, आप समझ सकते हैं जो चीज़ टूटे ना, टफ़, जो टफ होगा वो टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी एंड अनब्रेकेबल, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है सेकंड वर्ड, हम आपका लाते हैं सेकंड वर्ड है हमारा हेल। क्या होता है हेल? देखिए हेल और एक हेल, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। ये हेल होता है और ये हेल होता है, HALE, ये आपका होमोफोन्स में काम आ जाएगा अभी, ठीक है। हेल और हेल, ये हो गया हेल और ये हो गया हेल, ठीक है। तो हेल मतलब होता है स्वस्थ, मतलब हेल से बना है हेल्दी, ठीक है, हेल से बना है हेल्दी। तो हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, तो स्वस्थ एंड स्ट्रांग। अगर आप स्ट्रांग होंगे तभी तो स्वस्थ होंगे, जिम जाते हैं जिम में स्ट्रांग बनने के लिए, मतलब स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ देख लेते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में क्या है, देखिए जो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो वो मतलब इल होगा, सिक होगा, डिजीज्ड हो जाएगा, एलिंग हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या आ रहा है आपका? एलिंग आ रहा है, AILING। तो कभी कभार स्पेलिंग में भी आ सकता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो स्पेलिंग में इसमें आपका आ सकता है, ये आ सकता है कि इसकी स्पेलिंग बताइए, लिख दी जाएगी AILING, ठीक है। फिर और कोई भी स्पेलिंग लिखी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि एक से एक बार सिर्फ एल आया हुआ है इसमें, AILING, ये इसकी करेक्ट मीनिंग। हर एक चीज़ हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोग अगर एंटोनिम्स में ध्यान दे रहे हैं तो एंटोनिम्स में ही ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे, मीनिंग बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक नंबर आ जाता है फिर हम लोगों को पछतावा होता है कि यार मैंने मीनिंग नहीं सही से पढ़ पाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, अनफिट है, UNFIT, हर एक चीज़ ध्यान लेके चलेंगे, अनवेल, ठीक है।
एक आपका क्वेश्चन आया था विलफुल आया था आपका एक बार एग्जाम में, कौन सा मीनिंग आया था? तो आप लोग कमेंट करिए विलफुल की मीनिंग क्या होती है। विलफुल मैं ही बता देता हूँ, WIFFIL विलफुल, ठीक है, विलफुल होती है इसकी मीनिंग, ठीक है, विलफुल WILFUL विलफुल, ठीक है, तो ये विलफुल हो जाएगी मीनिंग। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि विलफुल का WILFULL ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो वो है हम लोग लाके आए इडियम्स और फ्रेजेज लाए हैं आपके लिए, ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेज लाए हुए हैं, जो कि दो लाए हुए हैं। देखिएगा पहला है आपका पीस ऑफ केक, ठीक है। पीस ऑफ केक क्या मतलब होता है भाई? पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं दिस इज पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब बहुत ही आसान कोई चीज़ है भाई। जो केक का पीस होता है, आपको केक काटा, किसी को खिला दिया, कोई कठिनाई हुई पीस ऑफ केक? केक काटने में कोई कठिनाई होती है? जब केक आप काटते बड़े आसानी से कोई चीज़ कट जाती है, उसमें कुछ समझने वाला जैसा कुछ नहीं होता है। तो समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है सेकेंड, सेकेंड में क्या है? रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है एन ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब एक सामान्य साधारण सा व्यक्ति, ठीक है, साधारण सा व्यक्ति। रैंक एंड फाइल क्या मतलब होता है इसका? साधारण सा व्यक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यही सिर्फ एक ट्रेलर टाइप का लाया था कि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि मेरे पढ़ाने की विधि क्या रहेगी, किस स्टाइल से लाऊंगा। मैं हर एक रोज़ आपको जो भी एंटोनिम्स कराऊंगा या सिनोनिम्स, जैसे कि कल से जो हम लोगों का नया चैप्टर नाउन स्टार्ट होगा, नाउन के पहले बारे में पढ़ेंगे, उसके हर दिन 5 रूल पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी टॉपिक है, जैसे नाउन है, नाउन हमारा अगर 2 दिन चलता है, तो हम लोग सबसे पहले नाउन के हर दिन 5 रूल पढ़ेंगे, फिर उन्हीं रूल पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर देखिए, अगर मैं आपको एक दिन में 20 रूल रटा दूंगा, तो हो सकता है इंग्लिश में इतने रूल हैं कि आप भूल जाएंगे उन रूल को। मैं उन रूल को बहुत ही अच्छे माध्यम से आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा, फिर उनके बहुत सारे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाऊंगा, जो कि आपको खुद पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस करा दूंगा, 10 क्वेश्चंस 5 रूल, 10 क्वेश्चन 5 रूल। ये हमारी सुबह और शाम क्लासेस चलेगी। तो कल से हमारी जो क्लास होगी फ्रेंड्स, वो होगी नाउन की पहली क्लास होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स, बेल आइकन दबा दें फ्रेंड्स।